हेलो गाइस, कैसे हो? रुई ऑलराउंडर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपने मुझे तो मेरे ब्लॉग में देख लिए होंगे, लेकिन मेरी मम्मी को आपने नहीं देखे। मम्मी को सिर्फ आपने रेसिपी बनाते हुए देखे। तो आज मम्मी फेस के साथ रेसिपी बनाएंगी। तो सब में पहले मैं आप सबको ईद की तहे दिल ईद की मुबारकबाद। और सब में पहले मैं मम्मी को बुलाना चाहती हूँ। मम्मी इधर आओ। और लो, आज आप रेसिपी क्या बनाएंगे और आपको बता दो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि बताई है ये सादिया ने, तो बिल्कुल सही बताई है। सबसे पहले मैं ईद का ढेर सारा मुबारक देती हूँ आप लोग को, और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आई हूँ ईद स्पेशल में रेसिपी लेकर के, जो कि मैं अपनी फेस के साथ आई हूँ। रेसिपी में है चिकन मंडी, और ईद स्पेशल है तो ईद स्पेशल में शेरखुरमा तो बनता है। तो शेरखुरमा मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो इसका रेसिपी तो मम्मी ने डाल दी है पिछले ईद का, तो आप उसमें से भी देख लो। और अभी भी मम्मी फेस के साथ बताएगी, तो देखो आपको कितना हैप्पी होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक और कर दो। चलो बनाते हैं हम लोग चिकन मंडी। तो चलिए देख लेते हैं। ये हम चिकन रख दिए हैं। सबसे पहले मैं चिकन खोल के बताऊंगी। देखिए ये है चिकन जो कि हम बनाने वाले हैं मंडी। तो ये चिकन में मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, और 1/2 चम्मच कलर डाली हूँ जो कि फूड कलर है, और 1 चम्मच में नमक डाली, और 1 नींबू को निचोड़ के डाल के इसे 1 घंटा के लिए मैं रख दी हूँ। मुझे ईद के दिन बनाना था, इसलिए मैंने शाम को ही ये सब करके रखी हूँ, ताकि आप लोग के साथ ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करें। तो इसमें मैं सबसे पहले तैयार करूँगी इसके लिए मंडी मसाला। तो मंडी मसाला के लिए मैं बताऊँगी आपको, ये चिकन को मैं साइड कर देती हूँ। सबसे पहले मंडी मसाला के लिए मैं ये सारा मसाला ले ली हूँ, और ये है ब्रिस्ता, जो मैं इस तरह का ब्रिस्ता तैयार कर लेना है हाई फ्लेम तेल में। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब ये है मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसे मैं तैयार करने वाली हूँ चिकन मंडी। तो सबसे पहले मैं ये ले ली हूँ 7 से 8 पीस बड़ी इलायची, और ये 1 टेबल स्पून है हरी इलायची, जो इसे गिनती में देखिएगा तो 30 पीस हो जाएगा। ये हरी इलायची 30 पीस हो जाएगा। 1 टेबल स्पून लिए हैं ज़ीरा का, और ये 1 टेबल स्पून लिए हैं गोल मिर्च, जिसे हम काली मिर्च भी बोलते हैं, और ये 1/2 जायफल लिए हैं, देख सकते हैं आप 1/2 जायफल, और 5 से 6 पीस दालचीनी का, और ये भर के ली हूँ 4 टेबल स्पून भर के ली हूँ धनिया, और ये कुछ चक्रफूल है, और 2 चक्रफूल है, और ये जो है लौंग, ये है 25 से 30 पीस, और ये कुछ 4 से 5 पीस जो लाल मिर्च था, ये तीखी वाली है तो इसे मैं तोड़ के रख ली हूँ, और ये है चिकन क्यूब्स जो नॉर्मली बाज़ार में मिल जाएगा, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छा रेसिपी बनके तैयार होने वाली है। 1 डब्बी में 2 पीस होता है, तो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये 2 डब्बी है तो ये सब लग जाएगा। और ये इसमें है केसर दूध, जिसे मैं भिगो के रख ली हूँ। तो चलिए मैं इसे तैयार करती हूँ। इसमें लगेगा सौंफ भी, जितना मैं जीरा ली हूँ उतना सौंफ भी लगेगा। फिलहाल सौंफ का मेरे पास खड़ा सौंफ नहीं है, पाउडर सौंफ है, तो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। कैसे करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ। कढ़ाई को मैं गर्म कर लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले धनिया, उसके बाद ये जीरा, उसके बाद गोल मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची, सॉरी इसमें मैं ये जाफराइन भी हूँ, ये मैं नहीं बता पाई थी आपको। तो ये जाफराइन है जो बहुत एकदम से ये जट्टा बनना हुआ है, तो ये पिसने में फूल जाएगा, और ये चक्रफूल, लौंग, जायफल, दालचीनी, सूखी लाल मिर्ची। तो चलिए मैं इसे चला लेती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे ज़्यादा भुनना नहीं है, फ्लेम को मीडियम कर देना है। और ये मैं पूरा मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ चिकन मंडी के लिए, तो पूरा मसाला नहीं लगेगा, इसमें से मैं 1/2 ही मसाला का इस्तेमाल करूँगी, 1/2 मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख दूँगी। जब मसाला बना रही हूँ तो थोड़ा सा क्यों बनाना, थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं हम, ताकि दूसरी बार भी काम आ सके। तो
ये भुन के हो गया है, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद भी इसे चलाते रहना है ताकि किधर से नीचे से कुछ जल जाता है, कुछ कच्चा रह जाता है, क्योंकि कढ़ाई गर्म होता है इसलिए चलाते रहना। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे पीस लूंगी। आप अगर चाहें तो इसे नहीं भुनिए, नहीं भुनिएगा तो भी चलेगा। भून देने से ना थोड़ा सा इसमें स्वाद बढ़ जाता है, फ्राई होने से स्वाद बढ़ जाता है। तो ये हो चुका है, मैं इसे भून लूंगी। चलिए अब इसे ठंडा होने दूंगी सबसे पहले। तो ये ठंडा हो चुका है, मैं ये सारा मसाला को इसमें डाल दूंगी, मिक्सी के जार में डाल दूंगी। हर घर में मिक्सी का जार होता है, मिक्सी होता है, नहीं है तो सिलबट्टा पे भी आप आसानी से पीस सकते हैं। चलिए इसे पीस के मैं ले आती हूँ। तो देखिए मेरा पीस के तैयार हो गया है। इस तरह से पीस लेना है। ये जो मसाला है इसको सीधा आधा कर देना है। जितना मैं इंग्रेडिएंट्स ली हूँ आपको बताई हूँ खड़ा गरम मसाला में, तो आप उसमें से अगर चिकन जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से, सॉरी मैं चिकन कितना है वो बताना भूल गई, चिकन 1.25 किलो है। तो 1.25 किलो चिकन के लिए आधा सारा मसाला चाहिए। ये आधा नहीं लेना है, ये आधा लेना है। तो चलिए ये सौंफ का पाउडर है, सौंफ भुना हुआ नहीं है। तो ये देखिए 1 चम्मच इसमें डाल दी और 1 चम्मच इसमें डाल दी, हो गया ना। अब ये मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँगी। तो चलिए अब मैं चिकन में ये मसाला लगा दूंगी। अब ये जो मसाला है इसमें से भी मैं आधा कर दूंगी, आधा कर दूंगी और ये आधा मसाला को इसमें डाल दूंगी। ठीक है, अब इसमें जाएगा चिकन का क्यूब्स। चिकन क्यूब्स में ढेर सारा नमक होता है, तो नमक मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी। पहले ही चिकन में मैं डाल चुकी हूँ नमक, तो मैं 2 पीस इसमें डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। चिकन मंडी है तो कुछ तो अलग होना चाहिए चिकन में, इसलिए ये मैं बेहतर समझी डालना। अब इसमें जाएगा कलर, ये है कलर, रेड कलर। ये मैं जो मैं कलर डाली थी ना ये ऑरेंज हो गया था, मुझे रेड कलर चाहिए था। चिकन मंडी में ये कलर जो रेड रहता है बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं इतना लगभग आधा छोटा चम्मच, ये चम्मच से आधा चम्मच में डाल दी। अब ये मैं बाद में अगर लगा तो यूज़ कर लूँगी। अब इसमें जाएगा दही। तो देखिए ये दही 1.25 किलो दही है, ये मैं खुद बनाई हूँ घर पे। जैसा कि मैं हर हमेशा आप लोग को बताती हूँ, होममेड दही मैं बाहर से नहीं लाती हूँ, खुद ही घर में बना लेती हूँ। ये दही बिल्कुल ताज़ा दही है। इसमें से मैं आधा दही डाल दूँगी। आधा हो गया, इसे साइड में रख दूंगी। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन में बड़ा बड़ा पीस कटवा के ली हूँ। अब इसमें जो ये मसाला मैं मिक्स करूँगी, तो आप अगर पहले से ही इसमें नमक, नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं रखिए। एक साथ में भी आप इस तरह से यहाँ इस स्टेज पे अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू और नमक डाल सकते हैं। नमक नहीं भी डाले तो भी, क्योंकि
चिकन का ये चिकन क्यूब्स मैं डाल दी हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें नमक डालना, अगर आपका स्वाद में थोड़ा सा तेजी है नमक में तो आप डाल सकते हैं नमक। ये देखिए चिकन क्यूब्स हाथ में आ रहा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरी बेटी बाजू में खड़ी है, वो बहुत हेल्प कर रही है मेरी। आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को झटपट से सब्सक्राइब कर लो, रेसिपी को लाइक कर लो। देखिए इस तरह का कट चिकन में लगवा दी थी मैंने, 3-4 घंटा के लिए भी आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चलिए तक 10 मिनट के वेट पे मैं छोड़ती हूँ, तो मैं बना लेती हूँ शीर खुरमा। तो इसको मैं रख देती हूँ ढक के। इसी तरह से मैं साइड करके रख दूंगी। ये जो है यही सीक्रेट चीज़ है जिसका रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है कस्टर्ड, और ये कस्टर्ड डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर, टेक्सचर, खुशबू सब आ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं डालना, 2 चम्मच डाली, 1 चम्मच और डाल देती हूँ, क्योंकि कस्टर्ड का शरबत ऐसे ही दूध के साथ आप चाहें ना, तो ये जैसा उबल गया है तो इसे आप गलास में डाल के ड्राई फ्रूट डाल के आप पी सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं। तो ये फिलहाल अभी मीठा दिए, कस्टर्ड कम दिए क्योंकि मुझे शीर खुरमा बनाना है, इसलिए चीनी ज़्यादा दिए, कस्टर्ड बहुत कम दिए, नहीं तो ये 2 लीटर दूध में जितना बर्नी देखे हैं ना वो पूरा ख़त्म हो जाना था। देख लीजिए मेरी बेटी मुझे कितना सपोर्ट करती है। वैसे आप ही करिए, समझे आप लोग कुछ क्या बोलती है मेरी बेटी। जैसे मैं मम्मी का सपोर्ट करती हूँ वैसे आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, जैसे आज तक करते आए हैं। देखिए कस्टर्ड डाल देने से इसका कलर चेंज हो गया है, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में कलर। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है मैं मंडी मसाला को साइड में ही रख लेती हूँ। मंडी मसाला जो मैं आधा बोली थी ना मैं बचा लूँगी, बाद में इस्तेमाल करूँगी, तो ये वाले को मैं सबसे पहले रख देती हूँ। चलिए इतना बच गया तो कोई बात नहीं, मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरा मसाला जो मैं अभी आगे यूज़ करने वाली हूँ, और ये मैं इतना को रख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो देखिए मैं ये कढ़ाई को साफ कर ली हूँ, सिरखुरमा सेवैया इसमें मैं फ्राई की थी, और दूध में एक साइड उबाल आ चुका है, दूध में उबाल आ गया है तो मैं भी इंतज़ार बिल्कुल नहीं करूँगी, इसमें डायरेक्ट सारा सेवैया डाल दूँगी। एक साइड में मैं कढ़ाई रखी हूँ गैस पे, तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब शीर खुरमा में एक और उबाल आएगा तो शीर खुरमा परफेक्टली तैयार है। तो अब ये मैं कढ़ाई में डाल दूंगी चिकन, इसमें तेल बिल्कुल नहीं डाली हूँ, ये छोटा सा पीस था ये भी मैं इसी में डाल दी। मैं कढ़ाई में तेल नहीं दी हूँ, डायरेक्ट मैं चिकन को ऐसे ही कढ़ाई को गर्म करके डाल दी हूँ, और जितना भी मसाला है सब मैं इसी पे फैला दूंगी ताकि जितना भी स्वाद है, फ्लेवर है मसाला में, सब अपना चिकन में आ जाए। चिकन का फ्लेम को अभी मैं रखूंगी फुल, इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी। देख सकते हैं ना ये मसाला डायरेक्ट में इसमें डाल दी, अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 5 मिनट तक मैं वेट करूंगी। तो एक साइड में देखिए शीर खुरमा मेरा परफेक्ट सा बनके तैयार हो गया है। आपको मैं चिकन सही से नहीं दिखा पाई थी क्योंकि पहली बार आई हूँ आप लोग के साथ, डायरेक्ट वीडियो बना रही हूँ, पूरा किचन के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, इसलिए तो ध्यान नहीं रहा, तो गलती को माफ़ कीजिएगा। कुछ खास नहीं हम किए थे, सिर्फ कढ़ाई को गर्म करके चिकन डाल दिए थे, बस कढ़ाई में तेल नहीं डाली। तो देख सकते हैं ना कितना अच्छा बेहतरीन सा शीर खुरमा बन के तैयार है, और अभी ये इतना पतला है ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा खट्टा फिरनी के जैसा हो जाएगा।
इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। आप चाहें तो आप इसमें और ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट डाली हूँ सब तैर तैर के ऊपर आ गया है। भून देने से ऐसा ही होता है, सारा ड्राई फ्रूट ऊपर आ जाता है। तो चलिए मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये फाइनली सिरकुरमा बनके तैयार है। अब मैं एक साइड में बनाने वाली हूँ, जो एक साइड में तो चिकन तो तैयार हो रहा है, दूसरे साइड में मैं बनाऊंगी मंडी चावल। तो मंडी चावल के लिए मैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये 5 मिनट हो गया, हम खोल के देख लेते हैं क्या हाल है चिकन का। चिकन का तो बहुत अच्छा हाल है, पानी छोड़ दिया है चिकन ने। तो इसे मैं अभी फुल फ्लेम पे ही रखूंगी, फ्लेम ऑन कम नहीं करूंगी और इसी तरह से ढक के पकाऊंगी, क्योंकि चिकन का जो पीसेज है बहुत हेवी है, तो इसलिए मैं इसको बंद करके पकाऊंगी ताकि अंदर तक इसका मसाला चला जाए। तो एक साइड इसे मैं ये उतार लेती हूँ, जो मैं सिरकुरमा बनाई हूँ इसको उतार लेती हूँ। तो मैं ये चूल्हा पे डाल देती हूँ और इधर मैं बनाऊंगी। फुल फ्लेम पे चिकन बन रहा है, इसे गर्म कर लूंगी। मैं मंडी चावल बनाने वाली हूँ बासमती चावल से। लूँगी बासमती चावल मैंने ले ली हूँ 1.5 केजी। तो ये 1.5 केजी चावल है, इसे मैं धो लूँगी। तो मैं बताती हूँ मेरी बेटी को धोने के लिए। तो ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी तेल। ये जो बिरिस्ता मैं बनाई थी वही वाला तेल है बचा हुआ, और इसी तेल से मैं बनाऊँगी अभी मंडी चावल। तो ये तेल वेट में देखिए तो 100 ग्राम मैं इसमें डाल दी हूँ। बिरिस्ता आप पहले से ही बना के रख लीजिए, क्योंकि ये फ्राई प्याज को फ्राई होने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो मैं आधा इसमें डाल देती हूँ, आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये देखिए ये जो मंडी मसाला है ये मैं अब इसमें डाल दूंगी सारा का सारा। आधा तो मैं रख दी थी पहले ही। मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच में मिर्ची पाउडर डाली हूँ और 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी का पाउडर। पहले थोड़ा सा पानी दूंगी। मैं नमक अभी इसमें नहीं डाली हूँ, फ्लेम मेरा लो है, अभी मैं इसे हाई कर दूंगी। चावल 1.5 केजी है, गलास से छः गलास, तो 6 गलास में पानी इसमें डालूंगी। 1 गलास, 2 गलास, 3 गलास, 4, 5 और ये 6 गिलास में पानी डाल दी हूँ। इसमें जाएगा चिकन का क्यूब्स। एक साइड में मेरा चिकन पक रहा है, पानी छोड़े हुआ है चिकन, तो इसलिए मैं फुल फ्लेम पे ही पका रही हूँ। दूसरा भी मैं डाल दी। अब इसमें जाएगा हरी मिर्ची 5 से 6 पीस। इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच नमक, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे तो 3 चम्मच लगेगा, चिकन क्यूब्स डाली हूँ तो इसमें 2 चम्मच में नमक डाल दी। अभी इसमें कुछ नहीं जाएगा, मैं इसको ढक दूंगी, उबाल आने तक वेट करूंगी। तो चलिए देखते हैं चिकन का क्या हाल है। तो ये फुल फ्लेम पे ही है और चिकन अच्छे से पक चुका है। चिकन को निकाल लूंगी, नीचे गैस से नीचे उतार ली हूँ। अब ये जो मंडी चावल का है पानी, इसे मैं दूसरे साइड ट्रांसफर कर दूंगी और ये चूल्हा पे मैं बनाऊंगी चिकन को फिर से। इसी में मैं चिकन को अभी करूंगी फ्राई। पक गया है,
ये जो प्याज फ्राई किया हुआ तेल बचा हुआ था, यही तेल को मैं इसमें डाल दी हूँ। इससे फ्लेवर चेंज नहीं होने वाला, उल्टा और ही बेहतर स्वाद आने वाला है चिकन मंडी में। तो इसलिए आप ये रिश्ता जो बना रहे हैं, तो इसको आप तेल को कोई और चीज़ में ना इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट चिकन मंडी में ही इस्तेमाल कीजिएगा, या बिरयानी बना रहे हो तो बिरयानी में इस्तेमाल कर लीजिए। तो ज़्यादा मैं तेल नहीं दी हूँ। सर में चिकन पक रहा है, तो चलिए मैं मंडी का चावल देख लेती हूँ। देखिए ये मंडी का पानी तो बिल्कुल परफेक्ट सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। चावल में भी लगभग एक गिलास पानी है, तो इतना मैं जानबूझ के इसमें रहने दी हूँ पानी चावल में, क्योंकि 6 गिलास चावल है तो 6 गिलास नहीं 7 गिलास पानी डालना था मुझे। तो मैं ऐसा नहीं कि जब तक पानी में उबाल आ रहा था तब तक चावल को मैं सोक भी कर ली थी। लगभग 7 से 8 मिनट लग गया था पानी में उबाल आने में। तो फाइनली चावल को मैं, बासमती है तो इसको थोड़ा देर धो के रखना ही चाहिए, इससे अच्छा सा स्वाद आता है, अच्छा सा पक जाता है। तो इसको मैं चला दूंगी। सूखा वाला नींबू है, ये आपको सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा। तो ये कैसे बनाई हूँ मैं सूखा सा, ये बाज़ार से लाए थे नॉर्मल सा नींबू, तो वो फ्रीज में रखने से ये ज़्यादा दिन रखेगा तो इस तरह से सूख के हो जाएगा। तो ये बाज़ार में नहीं मिलता है सूखा हुआ नींबू नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं ऐसा काम करती हूँ ताकि घर से अपना ये काम बन जाए। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा डाल दूँगी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अभी इसको पकने देना है, फुल फ्लेम पे ही रखना है। एक उबाल आने तक मैं फुल फ्लेम पे रखूंगी, उसके बाद मैं फ्लेम को कम कर दूंगी। निकाल लेती हूँ एक एक करके। हाथों का सेफ्टी के साथ आप कीजिएगा, ये बहुत फड़फड़ाता है, चिकन है चूल्हा पे आने के बाद भी फड़फड़ा रहा है। चलिए अब दूसरा जो पीसेज है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये जो मसाला है, ये मसाला तो मैं वेस्ट नहीं करूंगी, ये मसाला मैंने पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आधा गिलास में पानी डाली हूँ, थोड़ा सा टिका हुआ है, सबको निकाल लूँगी। तो मंडी चावल में तो उबाल आ चुका है, अब इसमें चला जाएगा ये जो चिकन का ग्रेवी बचा था, ये सारा। मेरी बेटी को इतना अच्छा लगा ये ग्रेवी, बोल रही है मम्मी रहने दो मैं खा लूँगी, लेकिन मैं नहीं खाने दी, क्योंकि शेयर जो करना था आप लोग के पास, क्या पता आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो मसाला, तो आप लोग फेंक दोगे, इसलिए मैं आप लोग को बता दी हूँ। फेंकना नहीं है, इस तरह से इसमें दे दीजिएगा मंडी चावल में, तो बहुत ही बेहतरीन सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हल्के हाथ से इसे चला देना है। अब मैं इसको दम पे पकाऊंगी 10 से 15 मिनट तक के लिए, तब तक मैं चिकन देख लेती हूँ। देखिए चिकन का फ्लेम को मैं कम कर दी, एक देखिए कैसा एकदम सा लाल सा हो गया है, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही है मम्मी जला के फ्राई करो फिर दो मुझे खाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को चिकन तंदूरी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बहुत पसंद है बच्चे लोग को भी और मुझे भी। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा अच्छे से जला ही देती हूँ, थोड़ा लाल कर देती हूँ। आप लोग को इतना नहीं पसंद है डार्क तो आप लोग लाइट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं 2 पीस को की हूँ लाइट करके।
इसको मैं फिर से फुल कर दूंगी, क्योंकि मैं पलटी थी हूँ ना चिकन को, तो ये वाला जो पीस है मेरी बेटी मांग रही है खाने के लिए, तो ये जैसे पकेगा मैं उसको दे दूंगी। तो फाइनली ये चिकन बनके तैयार है, फ्राई हो गया अच्छे से, मैं गैस को बंद कर दी हूँ। अब मैं तो ये मैं फॉइल पेपर लगा दे रही हूँ ताकि बच्चे लोग को अच्छा लगे और अच्छे से खा सके। तो ये हो गया फॉइल पेपर, बाकी का चिकन में भी मैं लगा देती हूँ। एक जो बड़ा सा पीस है तो इसको क्या कैसे क्या करें हम, इसको मैं थोड़ा सा इधर से कवर करके ऐसा करके हो गया, ये भी लेग पीस तैयार। देखिए है ना लेग पीस परफेक्ट सा। चलिए अभी देख लेते हैं चावल एक साइड में कैसा बना है। तो चावल महाराज का क्या हाल है देख लेते हैं। चावल तो बहुत ही अच्छे से पक चुका है, थोड़ा सा और ये दम पे रहेगा ना, लेकिन हम थोड़ा सा अल्टी पल्टी कर देते हैं हल्के हाथों से, पूरा ताकत नहीं लगाना है। अभी रमज़ान, हम लोग रमज़ान से गुजरे हैं तो कमज़ोर है थोड़ा सा, तो इसी कमज़ोरी वाला हालत से ही आपको चावल चलाते रहना है हल्के हाथों से बिल्कुल। देखिए ये मैंने फैला दी हूँ, फ्लेम को थोड़ा देर के लिए मैं मीडियम रख देती हूँ क्योंकि ये चावल अभी नहीं पका है, तो मीडियम ही सही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना जो चिकन है, ये पहले डालूँगी ब्रिस्ता, उसके बाद कुछ इस पर ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो तो आप डालिए। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे काजू बादाम किशमिश, आपको पसंद हो तो। मेरे बच्चे को पसंद नहीं है, मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना उसको पसंद नहीं है, फिर इसलिए मैं इसे ऐसे ही अक्खा अक्खा डाल रही हूँ। ईद का मैं ईद स्पेशल बना रही हूँ तो कुछ स्पेशल सा होना चाहिए। मेरा बेटा को पसंद नहीं है लेकिन वो साइड करके खा लेगा, उसको चिकन मंडी बहुत पसंद है। अब इसमें सारा चिकन डाल दूंगी इस तरह से, इसको एडजस्ट कर लूंगी, इसे दम पे 5 मिनट तक रख दूंगी। अब इसमें कुछ और मुझे करना है जिससे फ्लेवर में 4 चांद आ जाने वाली है, तो चलिए मैं उसकी तैयारी करती हूँ। तो जैसा कि मैं बताई हूँ 4 चांद जो लाने वाली है चिकन मंडी में, वो है ये अंगारा, कोयला है, कोयला में अच्छे से आग पकड़ेगा। तो देखिए किस तरह से अंगारा आ चुका है कोयला में। अब है मेरे पास ये छोटू सा बकेट, तो इसको मैं रखने वाली हूँ अपना मंडी में। गुड़िया को चटका लग गया मेरी बेटी को, देखिए मैं इस तरह से इसमें रख दूंगी। और इसमें डायरेक्ट कोयला चला जाएगा, तो देख सकते हैं इस तरह से सेफ्टी से आप इसमें कोयला डाल दीजिए। उसके बाद इस पर एक हाथ से घी डालिए और दूसरे हाथ से इसको कवर कर दीजिए। तो देख सकते हैं किस तरह से इसमें धुआं फैलते जा रहा है, तो इससे बहुत अच्छा स्मोकिंग सा फ्लेवर आ जाएगा। चिकन मंडी तो मेरा बन गया, शीरकुरमा बन गया। आज ईद स्पेशल में मैं एक और आइटम बनाई हूँ जो के है, आप लोग गेस कीजिए क्या है, क्या बना सकते हैं। गुड़िया तू बता क्या बना सकते हैं हम, बीच में बोलते बोलते तो कुछ तो बोले थे, गेस करो। दही भल्ले, तो अभी मम्मी बना रहे दही भल्ले, देखते हैं अभी। तो दही मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो दही भल्ले के लिए मैंने भल्ला पहले से ही फ्राई करके रख ली हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कंटेनर में भर के रख दी थी। अब इसको मैं, नमक वाला पानी है ये, इसमें मैं डाल दूंगी। इसको ऐसा डीप करना है और थोड़ा देर इसको छोड़ देना है। तो दही जो मेरा बचा है चिकन मंडी से, उसी दही से मैं
अभी भल्ला में डालूंगी, वही दही को मैं भल्ला में डालूंगी। तो ये भल्ला को मैं इस तरह से रख देती हूँ ऐसा दबा के। अगर ये भल्ला का रेसिपी चाहिए तो इसका भी है रेसिपी मेरे चैनल पे, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दही भल्ला में हम लोग को मीठा पसंद है तो मैं मीठा डाल दूंगी। ये 3 चम्मच मैं डाल दी हूँ चीनी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी अच्छे से। अब इसे मैं सर्व करूँगी। तो सर्व करने के लिए मैं इस तरह का डब्बा ले ली हूँ। अभी बच्चे लोग आएगा नमाज पढ़ के, तो फटाफट से मैं दे दूंगी बच्चे लोग को खाने के लिए। तो इस तरह से निचोड़ लीजिए पानी। इसका रेसिपी मैं डाल दूंगी, आप लोग जरूर से देखिएगा। कोई भी मेहमान आए, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, तो आप ये दही भल्ला बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी ये दही भल्ला बनता है। सारा बच गया, इसको मैं साइड कर दूंगी। मेरे घर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। मेरे बच्चे लोग सब दिल खोल के खा लेते हैं, कोई भी चीज को वेस्ट नहीं होने देते। इमली का जूस है तो आप इमली का जूस डाल सकते हैं, नहीं है तो मैं इसमें डालूंगी टोमेटो का केचप। टोमेटो केचप से भी बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। ये ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो मैं टोमेटो केचप इस पे डाल दूंगी। हो गया तैयार दही भल्ला। इसमें मैं थोड़ा सा और मिर्ची का पाउडर डाल दूंगी। यह है चाट मसाला। इस तरह से आप बनाइएगा, बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा, गेस्ट को भी बहुत पसंद आने वाला है ये रेसिपी। तो आप लोग मेरे चैनल पे फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वीडियो के नीचे मोर का बटन होगा, आप उसे क्लिक कीजिएगा तो सारा रेसिपी आप लोग को दिख जाएगा। जितना भी मैं लिंक डालूंगी ना, सब रेसिपी आपको दिख जाएगा। अब मैं इसमें सर्व करूंगी सिरखुरमा। तो देखिए ये सिरखुरमा को भी मैंने सर्व कर ली हूँ। इसे मैं सबको इस तरह से कवर कर देती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे लोग को अभी आने में टाइम है। चलिए अब चिकन मंडी का हाल देख लेते हैं, क्या हाल है। आहा, खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। ये बाल्टी बहुत गर्म है, मेरा हाथ में चटका लग रहा है। चलिए मैं ये बाल्टी को निकाल देती हूँ। आहा, खुशबू तो मेरे बच्चे लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मांग रहा है अभी से ही, मम्मी दे दो, मैं नमाज बाद में पढ़ के फिर से खाऊंगा मैं। चलिए मैं देख लेती हूँ चिकन मंडी का हालत क्या है। बहुत ही हेवी है ये, देखिए चावल कितना खिला खिला सा बना है ना। आप इस तरह से मेरे हिसाब से अगर आप मेजर कीजिएगा तो बिल्कुल खिला खिला सा चावल बनेगा और बहुत ही परफेक्टली बनेगा। देखिए कितना खिला खिला सा चावल बना है, एक भी चावल टूटा नहीं है, जो कि मंडी चावल है। आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ सकते हैं। देखिए कितना परफेक्टली ये चिकन मंडी तैयार है। इसका चटनी का रेसिपी चाहिए तो ये भी मैं आपको बता दूंगी, अभी मैं चटनी का रेसिपी आपको नहीं बता रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं ये अपने बच्चे को देती हूँ ट्राई करने के लिए, कैसा बना है उससे पूछिए आप लोग भी और मैं भी पूछती हूँ। यार मैं बुलाती हूँ मेरे बेटे को चेक करने के लिए कैसा बना है, वैसे भी इसे भूख लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये है मेरा बेटा, ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है, जितना भी यूट्यूब का काम है वो सब करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक। मेरे अम्मी को सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। टेस्टी है गाइस, चावल तो टेस्टी है, अभी जरा चिकन भी टेस्ट करना पड़ेगा।
बहुत यम्मी बना है, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। सादिया से भी बर्दाश्त नहीं हुआ है, सुबह का पांच कर दे। तो कैसा लगा बता सादिया तू भी? मुझे तो बहुत यम्मी लगा, मैं बताने में वेस्ट नहीं कर सकती, मैं फटाफट खाती हूँ। तो देखा ना आपने, बहुत टेस्टी है गाइस, चिकन तो ऐसा लगता है मार्केट से भी अच्छा है, खा के देखो एक बार, ट्राई करिए सब लोग। मैंने तो इतना खा लियो और अभी खाना बाकी है। ये लोग को चिकन बहुत पसंद है, मटन ज़्यादा पसंद नहीं है, चिकन बहुत पसंद है। तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे सपोर्ट कीजिए, हर हमेशा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह का नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ईद का ढेर सारा मुबारकबाद आप अपनों के साथ दीजिएगा और मेरे इस रेसिपी को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू।